न्यूज लीडर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की उपस्थिति में श्योपुर में मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के साथ ही 1013 करोड़ से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का श्योपुर में आयोजित कार्यक्रम में जिले की बहनों द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू करने के लिए प्रतीकात्मक तौर पर 51 फीट की राखी भेंट कर स्वागत और अभिनंदन किया गया। श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने गरीबों का कल्याण और उनकी जिंदगी में आनंद और प्रसन्नता लाने का संकल्प लिया है, इसलिए लगातार विकास और जनता के कल्याण के लिए कार्य कर। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नर्मदापुरम के गुजरखेड़ी गांव के नौजवानों ने आर्थिक रूप से कमजोर सुश्री दीपा बहन की धूमधाम से शादी कराकर जन भागीदारी का अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने श्याम महल स्थित उद्यान में पीपल, नीम और करंज के पौधे लगाए। सीएम श्री चौहान के साथ परोपकार महिला मंडल के सदस्यों ने भी पौधरोपण किया। मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने खुरई के बरोदिया कला में होली मिलन समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में 16 करोड़ 27 लाख की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया एवं विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों के खाते में राशि अंतरित की। मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी रायसेन के श्री राम परिसर में आयोजित होली मिलन समारोह में सम्मिलित हुए और सभी को होली रंग पंचमी की शुभकामनाएं दी। सिंह डंग पूज्य संत श्री मधुसूदन जी महाराज द्वारा की जा रही अखंड महायज्ञ साधना कार्यक्रम में तिमलिया कालूखड़ा रतलाम में आयोजित इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के 73वें अधिवेशन कार्यक्रम। रंग पंचमी के अवसर पर इंदौर में पारंपरिक रंग उत्सव गेर का आयोजन हुआ। लाखों की संख्या में इंदौर वासियों ने भव्य समारोह में एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर उत्सव मनाया।